डर और भयादमन का खौफ का वातावरण बना हुआ है, वो पहला इशू है। आज गांव में सबसे ज्यादा डर है स्मार्ट मीटर, और दूसरा डर है स्मार्ट मीटर के बाद जमीन रजिस्ट्री के मामले। पहला मुद्दा स्मार्ट मीटर पर हम आना चाहेंगे कि महाराष्ट्र आर्थिक इकाई का जोन है, राज्य इकोनॉमिकल पूरी दुनिया की आर्थिक और अर्थव्यवस्था का वो एक रीढ़ है, और महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्वर में यह घोषणा कर दी, निर्णय ले लिया कि स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर हमारे जनता के हित में नहीं है और हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाए। हिंदुस्तान में दो कानून कैसे हो? हिंदुस्तान एक संविधान एक कानून, महाराष्ट्र में मुख्य कानून, आसाम में विरोध हुआ तो स्मार्ट मीटर लगना बंद हो गए। भारत के कई स्टेटों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे। जबकि वह स्मार्ट मीटर भारत सरकार के उद्योगपतियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो लगाए जा रहे हैं, तो सरकार तो बीजेपी की है, तो फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने यह फैसला कैसे लिया, और आसाम में विरोध के बाद बीजेपी की सरकार ने यह फैसला कैसे रोका? पहला, जब शुरू से हैकिंग की बात हो रही है, वोटिंग तरीके पर, यह भी कंप्यूटराइज है, यह इसका मालिकियत भी कोई और होगा, मैं तय करूंगा बाजार से हम क्या वसूलना है। तो आप उद्योगपतियों के हाथ में 15 जिला, 16 जिला, 18 जिला, 10 जिला, 20 जिला दे रहे, तो उद्योगपति अपने तरीके से आने वाले समय में, जैसे जियो ने सपना दिखाया था और कई तरह के ऑफर लाए थे हमारे बच्चों को और देश को लगा के, तो बड़ी क्रांति हो गई, परोसा गया और उनकी मनमानी और मोनोपोली इतनी हो गई कि अपने बच्चे के में जो खर्च किया उसके बाद 9% जियो के दाता से वसूले, और आज जियो सब पर भारी पड़ गया। जियो की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आम आदमी परेशान, आप एयरपोर्ट से लेके सब कुछ आपने दे दिया प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट को देने जा रहे हैं, पूरा देश के हर व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार आप, एजुकेशन पर प्राइवेट को देने जा रहे हैं, सारे देश में एजुकेशन सिस्टम पर आप बैठा रहे हैं किसी न किसी संस्था को, किसी न किसी एनजीओ को। अब आम आदमी के जिंदगी से जुड़ा सवाल जो बिजली है, और विजेंद्र यादव जी जो कहते हैं कि बिजली सस्ती, विजेंद्र जी वन नेशन वन नैरेटिव की बात आप ही करते थे, मैं जानना चाहूंगा कि इस उद्योगपतियों के सबसे अधिक पैसा क्या बिहार के सेक्रेटरी और बिहार की सत्ता कोई मिली? पहला। दूसरा,
तीसरा, कौन सा ऐसा लॉ है, पहले कहा गया कि जिनको लगाना है वो लगाए और जिनको नहीं लगाना है उन पर प्रेशर ना। अब स्थिति यह है कि बिजली काट के पुलिस का डर और भय दिखाकर भयादोहन करके मीटर जबरदस्ती आम आदमी के घर से निकालकर टारगेट दे दिया गया है हर जिले के एसकूटी एसडीओ इंजीनियर एसी को और हर जिले के पदाधिकारी को कि आप साथ मिलकर के उद्योगपतियों की दलाली कीजिए और उद्योगपति के पक्ष में जाकर के स्मार्ट मीटर लगाए और इस प्रदेश में एक व्यक्ति भी बोलने वाला, मुझे आश्चर्य है, एक व्यक्ति, एक नेता और बोले दूसरा यूनिट बिजली। अरे भैया क्या हश्र हुआ है अन जगहों का, आप जो राजनीति आप बात करिए ना स्मार्ट मीटर, आप ही की तो सरकार थी तब भी तो ये निर्णय लिए थे। और अब बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई आदमी स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर लगा भी, उनके उनको यदि सुविधा होगी स्मार्ट मीटर लगावे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों के दलाली के लिए उसके मुनाफे के लिए और पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता की आर्थिक शोषण करने के लिए यदि सरकार और विपक्ष दलाली कर रही है तो ये नहीं चलेगा। आप जबरदस्ती, मेरा आग्रह होगा और मैं अपील करता हूं, आज जो देखने में लगता है जिस तरह व्यापारी मंडी के व्यापारी या बाजार का व्यापारी अपनी कीमत अपने सोना अपनी चांदी अपनी चीजों का दाम खुद लगाता है, आने वाले 6 महीना साल भर 2 साल के अंदर या उद्योगपति अपने तरीके से बिजली की कीमत बढ़ाएगा घटाएगा। और सरकार हमेशा उद्योगपति के पक्ष में बोलने, इसलिए स्मार्ट मीटर का हम विरोध करते हैं और हम अपील करते हैं कि जबरदस्ती आप स्मार्ट मीटर ना लगाएं। और हम यह भी आग्रह करते हैं कि आप गांव में जाकर के इंजीनियर एसडीओ थाना के साथ जाके धमकी ना दें। तीसरा यह भी आग्रह करते हैं कि जबरदस्ती जाकर के मीटर आप जो मिडिल क्लास और गरीब के घर से छीन के लाते हैं।